वीवर्स, आज मैं आपके लिए गर्मियों में बहुत ज्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी, बच्चों की फेवरेट रेसिपी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की रेसिपी। भिंडी की रेसिपी बनाना बेहद आसान है। पहले आपने भिंडी को धोकर काटकर दो पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है व्यूवर्स। इसके साथ मैंने ली थी 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, और 3 अदद टमाटर लिए थे और उनको भी चॉप कर लिया है। इसी तरह मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और इनको भी बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो व्यूवर्स बनाना शुरू करते हैं। व्यूवर्स 1 कप भर कर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तब हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे। व्यूवर्स 1/2 किलो भिंडी ली है, ये ऐड करेंगे। अब हमने इसमें चम्मच बहुत कम चलाना है, कोशिश करनी है आपने ऐसे ऐसे करके इसको हिला के इसको इसका कलर देना है। जब तक ये पक नहीं जाती, हाफ डन नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं भिंडी हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है। व्यूअर्स अब हम प्याज ऐड करेंगे इसी ऑयल में। इसको भी हम ऐसा ऐसा मिक्स करेंगे और इसी ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको सुरख नहीं करना, नॉर्मल रखना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं प्याज का कलर माशाल्लाह चेंज हो चुका है। मज़ीद 1 मिनट के लिए और इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लेवल नमक है और 1 टीस्पून लेवल धनिया पाउडर है। ये हम ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स अब हमने फ्लेम लो कर लेना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करना है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, तो अब हमने फ्राई भिंडी ऐड की है व्यूअर्स, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है हरी मिर्चें और इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स भिंडी डालते हुए वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मसाला भुनते सार ही मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी थी, उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो अब हमने करना यह है फ्लेम बिल्कुल लो रख देना है और इसके ऊपर कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, दम पे रख देंगे इसको। मज़ेदार भिंडी हमारी तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। और लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला, ठीक है व्यूवर। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है, आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।